Hello everyone, how are you doing? So today we are going to start our new series, daily MCQ series, and this series is particularly made for the people who are having their exam on 2021. So in सभी अभ्यर्थियों को aspirants को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को तैयार किया गया है एंड इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो उन लोगों के हैं जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से तैयार कर चुके हैं एंड इन केस अगर वो लोग जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है दे वांट टू सी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस द लेवल ऑफ रियल क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी दे कैन डेफिनेटली वॉच दिस सीरीज सो टुडे वी विल कवर 20 क्वेश्चंस एंड द टॉपिक टू बी कवर्ड टुडे आर पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स सो दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे सो लेट्स स्टार्ट अवर सीरीज क्वेश्चन नंबर वन कंसिडर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1. Division of powers. 2. Mandatory dual government. 3. The constitution may be flexible or rigid. 4. Judiciary may or may not be independent. 5. Mandatory unicameral legislature. You have to select the correct option among of the following. A. 2, 3, 4 and 5 only. 1, 2, 4 and 4. Okay, this is not 4. This is 1, 2 and 4. 3 and 4, all of the above. So, aapko apna आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है ऑल द वेरी बेस्ट आई होप आपने अपना आंसर नीचे मेंशन किया है लेट्स सी व्हाट इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी का मतलब है आपका 3 एंड 4 इसका मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी फ्लेक्सिबल और रिजिड ये जुडिशरी मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन जो कि दिखाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर को इसके अलावा जब हम डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करेंगे तो ये फेडरल फीचर को दिखाता है मैंडेटरी ड्यूअल गवर्नमेंट इट आल्सो टॉक्स अबाउट फेडरल फीचर एंड मैंडेटरी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर फेडरल फीचर बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिटरी फीचर इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी फ्लेक्सिबल और रिजिड सेकेंड जुडिशरी जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकती है आई होप अगर आप ये सीरीज कर रहे हैं तो यू नो वट इज़ फेडरलिज्म और वट इज़ द फेडरल फीचर्स वट आर द फेडरल फीचर्स एंड यू नो about the unitary features of Indian constitution. So federal feature signifies the division of power. Jabhi bhi power distribute hoti hai between the center and the state, to it signifies the federal feature. But agar power concentrate hoti hai union mein, to isko unity feature kaha jata hai. Right? So let's see the explanation. So these are the federal features in your Indian constitution and here are your unity features of Indian constitution. Pehla example hai federal feature ka, that is dual government. Then you have written constitution, then division of power between central and state government, supremacy of constitution, rigid constitution, independent judiciary, bicameral legislature. आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके पॉलिटी की जो सीरीज़ है वहाँ पर इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो लोग 2021 का एग्ज़ाम देंगे वो ऑलरेडी इस कवर पार्ट को इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं राइट यूनिटी फीचर्स की अगर हम बात करें तो सिंगल गवर्नमेंट और यहाँ पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है फेडरल फीचर में क्या होता है यू हैव मोर देन वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक पहला लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज योर यूनिटरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट देन यू हैव स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी देखने को मिलता है दैट इज़ योर लोकल गवर्नमेंट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज राइट इट मे हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल फ्रांस और इट मे हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन देन यू हैव सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ नॉट गारंटेड जैसे ब्रिटेन में होता है राइट फ्लेक्सिबल जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर और अगर हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ रिजिड इन नेचर जुडिशरी मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जुडिशरी हो सकता है इंडिपेंडेंट हो एंड इट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट राइट ये पॉसिबिलिटी रहती है कि ये इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है व्हेन वी टॉक अबाउट बाइकैमरल लेजिस्लेचर तो बाइकैमरल आपको देखने को मिलता है भारत में भी और ब्रिटेन में भी बाइकैमरल का मतलब होता है द्विसदन का मतलब दो सदन जैसे भारत में आपका लोकसभा होता है सेंटर की बात करें और राज्यसभा होता है लेकिन जब हम स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दोनों देखने को मिलती हैं और ज़्यादातर ऐसे राज्य हैं स्टेट हैं जहाँ पे आपको केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबलीज देखने को मिलती हैं लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2
Consider the following statement. Recently, the Tamil Nadu government has decided to use the term central government instead of earlier term, that is union government. Second statement, the member of Constitutional Assembly are also using the term central government for denoting the power in center. You have to identify the correct statement. Your options are one only, two only, both, none. So press the pause button, mention your answer in the comment box. Let's see what is the right answer, and the right answer is D option. Iska matlab aapki dono ki dono statement jo hain wo galat hain. Ye bhi galat hai aur ye bhi galat hai. Let's see the explanation. Tamil Nadu government recently has decided to shun the uses of the central government. देखो हम लोग बहुत इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कई बार हम इसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. लेकिन अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलता है. रादर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स में, 395 आर्टिकल्स में, आपको अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे आपको टर्म जो देखने को मिलता है दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लेमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बट अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो टेक्निकल टर्म्स में यूनियन गवर्नमेंट इज़ द राइट आंसर. इट इज़ मोर एप्ट. ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है ये ज़्यादा करेक्ट है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट. और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज़ किया है उसको वो रिप्लेस करेंगे यूनियन गवर्नमेंट से. इन कॉमन पार्लेंस द टर्म यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. जो मैंने अभी आपको कहा कि हम इसे इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, और टेक्निकली ये गलत है. टेक्निकली आपका यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा सही है. हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट यूज़ द टर्म सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल इट्स 395 आर्टिकल्स एंड 22 पार्ट्स. तो अभी तक आपको ये शब्द सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है. आर्टिकल 1 क्लॉज 1 की अगर हम बात करें तो इट सेज दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर वेरी कॉशियस ऑफ नॉट यूजिंग द वर्ड सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे इंटेंडेड टू कीप अवे द टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजिंग ऑफ पावर्स. सो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स जो हैं, दे वर वेरी केयरफुल अबाउट इट कि सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि वेन वी आर यूजिंग द टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट इट मीन्स इट सिग्निफाइज द सेंट्रल टेंडेंसी. राइट, जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेट हो रही है केंद्र सरकार की तरफ, एंड दैट इज समथिंग विच अवर कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स डिड नॉट वॉन्ट, एंड दैट इज द रीजन दे प्रिफर्ड द टर्म यूनियन गवर्नमेंट रादर सेंट्रल गवर्नमेंट. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इज रिलीज बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITC. सेकेंड, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 50th ऑन द GCI. Third, it take 5 parameter for the assessment of the countries. You have to select the right code. Your option 1 is 1 and 3, 3 only, 2 and 3, and all of the above. Press the pause button, mention your answer in the comment box. Let's see the right answer. And the right answer is option number A. Option number A ka matlab hai, aapka pehla, yani ki ye aur ye statement sahi hai. Explanation dekhte hain. Recently, India has ranked 10th. 50th नहीं है, 10th रैंक आया है इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. और इसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, 37 प्लेसेस हम लोगों ने मूव किया है. टॉप रैंकिंग्स की बात करें तो इसमें नंबर 1 रैंकिंग है अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की, फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम यानी जिसकी सेकेंड रैंक आई है, एंड सऊदी अरेबिया टाइड ऑन द सेकेंड पोजिशन विद यूनाइटेड किंगडम. तो जो सेकेंड पोजिशन है वो यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरेबिया ने शेयर किया है. थर्ड रैंक की अगर हम बात करें तो एस्टोनिया जो है ये थर्ड रैंक आई है. यू हैव टू मैंशन इन द कमेंट बॉक्स कि एस्टोनिया कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है. इंडिया स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 97.5 पॉइंट्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. फ्रॉम अ पॉसिबल मैक्सिमम ऑफ 100 पॉइंट्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. राइट, इंडिया सिक्योर द फोर्थ पोजिशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन, इट इज़ इंपॉर्टेंट. एशिया पैसिफिक रीजन की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग फोर्थ रैंक हासिल करने में सफल हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन 5 पैरामीटर्स. अब ये 5 पैरामीटर्स क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री और मेंस दोनों के पर्पज़ के लिए. साइबर सिक्योरिटी आपके मेंस का पार्ट है, GS पेपर 3 का पार्ट है, और अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो यू कैन यूज़ दीज पॉइंट्स. क्या क्या है? पहला, लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन. तो आप अपने आंसर में इन 5 पैरामीटर्स को मेंशन कर सकते हैं टू मेक योर आंसर लुक मोर रेलिवेंट एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड. राइट, ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच अमंग ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन. भारत इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है? पहला IDA, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, दैट इज IFA.
तीसरा मीगा मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी एंड देन यू हैव ICSID दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट प्रेस द पॉज बटन मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स राइट आंसर इज टी दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यू हैव टू रिमेंबर दिस इंडिया इज द मेंबर ऑफ IDA इंडिया इज द मेंबर ऑफ IFA इंडिया इज द मेंबर ऑफ मीगा बट इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ICSID राइट और ये आपका क्या है ये वर्ल्ड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ये चार जो आपकी बॉडीज हैं ये मिलकर बनाती हैं आपकी वर्ल्ड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन राइट ठीक है एंड इंडिया इज द मेंबर ऑफ IDA IFA MIGA बट इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ICSID लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर वन कोवैक्स इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव एम्ड एट इक्विटेबल एक्सेस टू COVID-19 वैक्सीन लेड बाय यूनिसेफ गावी द वैक्सीन एयरलाइंस दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस एंड अदर्स इंडिया ऑल्सो बिगेन इट्स वैक्सीन मैत्री टू सपोर्ट कोविड वैक्सीन टू डिफरेंट नेशंस सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट वन ओनली टू ओनली बोथ नन प्रेस द पॉज बटन मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर दिस इज वेरी फैक्चुअल सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कोवैक्स जो है ये क्या है बेसिकली इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव ठीक है ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका ऑब्जेक्टिव है इक्विटेबल एक्सेस टू COVID-19 वैक्सीन्स राइट और ये जो इनिशिएटिव है ये किसका है दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ यूनिसेफ गावी गावी की फुल फॉर्म है द वैक्सीन अलायंस तीसरा है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन द कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस एंड अदर्स और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑल्सो बिगेन इट्स वैक्सीन मैत्री वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैक्सीन मैत्री क्या है वैक्सीन मैत्री इंडिया का इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया सप्लाई करेगा कोविड वैक्सीन को टू डिफरेंट नेशंस जैसे हमने नेपाल में भी भेजा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत छोटे देश ऐसे हैं जहाँ पर हमने अपनी वैक्सीन को दिया है और इसे कहा जाता है वैक्सीन मैत्री और इसका एक और नाम जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा वैक्सीन डिप्लोमेसी राइट सो दिस इज अ बज वर्ड विच यू कैन यूज इन योर मेन्स आंसर राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर वन द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक इज रिलीज बाय IEA दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन देन यू हैव हाइड्रोजन इज एन एनर्जी कैरियर नॉट एन एनर्जी सोर्स थर्ड स्टेटमेंट ग्रे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस वेयर द एमिशंस आर कैप्चर्ड यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन वन एंड थ्री ओनली टू ओनली टू एंड थ्री ऑल ऑफ द अबव पॉज करें एंड थिंक अबाउट इट एंड देन मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी की जब हम बात करें सो इसका मतलब केवल सेकेंड ऑप्शन ठीक है इसका मतलब केवल ये ऑप्शन ठीक है ये गलत है और ये गलत है लेट्स सी ऐसा क्यों है रिसेंटली IRENA IRENA हैज रिलीज द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट दिस इज इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है तो इसको रिलीज करता है IRENA सो यू हैव टू मेंशन द फुल फॉर्म ऑफ IRENA इन द कमेंट बॉक्स हाइड्रोजन इज एन एनर्जी कैरियर वेरी इंपॉर्टेंट नॉट एन एनर्जी सोर्स तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन क्या है इट इज़ एन एनर्जी कैरियर जो एनर्जी को कैरियर करता है बट इट इज़ नॉट एन एनर्जी सोर्स एंड कैन डिलीवर और स्टोर अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी सो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है इट कैन डिलीवर बिकॉज इट इज़ एन एनर्जी कैरियर इट कैन ऑल्सो स्टोर राइट और इस ये क्या स्टोर करेगा एनर्जी स्टोर करेगा हाइड्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन अर्थ फॉर अ क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन बहुत बड़ी मात्रा में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन तो पहली बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज सोलर एनर्जी विंड एनर्जी एट्सेट्रा एंड एज अ लोअर कार्बन फुटप्रिंट वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोसेस करते हैं या जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जो कार्बन एमिशन जो होता है जो उसका कार्बन फुटप्रिंट जो रह जाता है दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर दी एनवायरनमेंट और अगर हम हाइड्रोजन एनर्जी की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन पर्टिकुलरली अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर इनका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो काफ़ी लो होता है काफ़ी लेस होता है एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं इसके हाइड्रोजन के वाटर एंड वाटर वेपर उसके बाद नंबर टू है आपका ब्राउन हाइड्रोजन इट इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग कोल वेयर द एमिशंस आर रिलीज टू द एयर ब्राउन हाइड्रोजन जो है ये कोल का यूज़ करके बनाया जाता है सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं मे बी वो यहाँ पे ब्लैक हाइड्रोजन लिख दें तो आपको याद रखना है कि दिस इज़ नॉट ब्लैक हाइड्रोजन दिस इज़ ब्राउन हाइड्रोजन जिसको इस्तेमाल किया जाता है कोल के एमिशन से
ग्रे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस वेयर द एसोसिएटेड एमिशंस आर रिलीज टू द एयर. तो दोनों रिलीज होते हैं एयर में, लेकिन यहाँ पर कोल का इस्तेमाल होता है और ग्रे हाइड्रोजन में आपका नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है. एंड देन यू हैव ब्लू हाइड्रोजन. ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज योर ब्लू हाइड्रोजन. इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस वेयर द एमिशंस आर कैप्चर्ड यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. कंसीडर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसीडर्ड एज इन सीतू बायोलॉजिकल कंजर्वेशन. दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक होता है आपका एक्स सीतू और दूसरा होता है आपका इन सीतू. एक्स सीतू का मतलब होता है जब आप उस इकोसिस्टम के बाहर उस पर्टिकुलर स्पीसीज को या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं और वहाँ पे उसके बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं, दैट इज एक्स सीतू. बट वेन वी टॉक अबाउट इन सीतू, तो इन सीतू में क्या होता है, स्पीसीज का या कोई प्रोडक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बिहेवियर को मॉनिटर किया जाता है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, राइट. सो यहाँ पर आपको बताना है इन सीतू बायोलॉजिकल कंजर्वेशन इनमें से क्या क्या है. फर्स्ट जू, सेकेंड एक्वेरियम, थर्ड नेशनल पार्क, देन यू हैव बायोस्फीयर रिजर्व, देन सीड बैंक. सेलेक्ट अमंग द गिवन कोड. फर्स्ट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3, 3, 4 एंड 5, थर्ड इज 3 एंड 4, देन यू हैव नन ऑफ द अबव. थिंक अबाउट इट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट होते हैं. लेट्स सी द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी का मतलब है आपका थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके इन सीतू बायोलॉजिकल कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है. इसका मतलब नेशनल पार्क आपका इन सीतू बायोलॉजिकल कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है और आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इन सीतू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है. इसके अलावा अगर आप देखो तो जू जो है वो मैनमेड होता है, आर्टिफिशियल होता है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, एक्सीतू का. एक्वेरियम मैनमेड होता है, आर्टिफिशियल होता है, तो ये भी आपका एक्सीतू का एग्जाम्पल होगा. और सीड बैंक भी आपका एक्सीतू का ही एग्जाम्पल होगा बिकॉज दिस इज मैनमेड. ठीक है, और यही आपका एक्सप्लेनेशन में आपको दिया गया है. सो प्रेस द पॉज बटन, इसको पढ़ें एक बार, और अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो यू कैन नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिंग ऑफ फायर. बहुत फेमस है रिंग ऑफ फायर, राइट. अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, जो कि आई बिलीव आपने पढ़ी है, अगर आप 2021 का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपको इन क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन आपको अपने रीडिंग आवर्स को, अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस. ठीक. सो पहला लाइट खोल दे रहा हूँ. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज अ सिस्मिकली एक्टिव बेल्ट ऑफ बोथ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज. सेकेंड, इट इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट्स. देन थर्ड स्टेटमेंट इज, इट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. नंबर 1, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव. प्रेस द पॉज बटन, थिंक अबाउट इट, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, राइट आंसर इज ए. इसका मतलब आपका पहला और दूसरा, यानी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. देखो, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको कोई एक्सट्रीम शब्द देखने को मिलता है, तो ऑटोमेटिकली ये माना जाता है कि उस स्टेटमेंट को आपको रोकना है, सोचना है उसके बारे में, और देर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो स्टेटमेंट गलत हो. और अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता है कि जो रिंग ऑफ फायर होता है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होता है, और इसी वजह से जब आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत होता है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता. एलिमिनेशन मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, राइट. तो आप पहुँचेंगे करेक्ट आंसर तक. ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है. यू हैव टू प्रेस द पॉज बटन, इसको एक बार पढ़ें. इसमें से अगर आपको कुछ फैक्ट्स नोट डाउन करने हैं तो आप कर सकते हैं. ज्योग्राफी हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, और मैं अगेन सेम पॉइंट रिपीट करूंगा. इफ़ यू आर टारगेटिंग 2021, सो दिस शुड बी अ केक वॉक फॉर यू. इसको समझाने की इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, राइट. तो इसको आप पॉज करें और एक बार इसको डेफिनेटली पढ़ें आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज मेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको बताना है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो 7th शेड्यूल में कहाँ पर दी गई है. टोटल आपके 12 शेड्यूल होते हैं, जिसमें 7th शेड्यूल जो होता है वो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है, 3 लिस्ट के बारे में बात करता है, यूनियन लिस्ट के बारे में बात करता है, इसके अलावा स्टेट लिस्ट के बारे में बात करता है, और बात करता है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लिस्ट में आता है आपका लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, और एक और होता है आपका रेसिडुअरी सब्जेक्ट, बट मेन जो है आपका 3 लिस्ट होती हैं और फिर होते हैं आपके रेसिडुअरी सब्जेक्ट. फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट. थिंक अबाउट इट, प्रेस द पॉज बटन, मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. क्या होगा राइट आंसर, लेट्स सी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज बी. इसका मतलब स्टेट लिस्ट.
यानी लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं, यानी पंचायत जो होती हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं, वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ना कि यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है. सो अगेन दिस इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. प्रेस द पॉज बटन, रीड द पैराग्राफ, एंड इन केस आपको अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू आंसर दैट. इसको एक बार पढ़ लीजिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस. इनमें से कौन कौन से ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस हैं. पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज CFC. देन यू हैव हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दैट इज HFC. देन यू हैव कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो यू हैव टू सेलेक्ट अमंग द गिवन कोड. वन ओनली, वन एंड थ्री, टू एंड थ्री, ऑल ऑफ द अबव. आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंसेज हैं, जो कि ओजोन डिप्लेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा, जिनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. सोचें इसके बारे में. लेट्स सी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज बी ऑप्शन. इसका मतलब वन एंड थ्री, इसका मतलब आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर दी ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस, और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये भी आपका ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस है. लेकिन HFC की जब हम बात करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की बात करते हैं, तो दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस. राइट, द चीफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इंक्लूड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक तो आपको ये याद रखना है, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, देन यू हैव मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, हेलेंस समटाइम्स नोन एज प्रोमिनेटेड फ्लोरोकार्बन, राइट, एंड इट कंट्रीब्यूट, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन माइट लीड टू द ओजोन डिप्लेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 11, डीप वेब. सो इट इज़ अ टर्म ऑफन सीज इन द न्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब इट. तो आपको बताना है डीप वेब जो काफ़ी समय से न्यूज़ में चल रहा है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है. नंबर वन, इट रेफर्स टू द बॉटम 10% ऑफ द लीस्ट विजिटेड वेबसाइट्स. नंबर टू, इट रेफर्स टू दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब हुज कंटेंट आर नॉट इंडेक्स्ड बाय स्टैंडर्ड वेब सर्च इंजन्स. देन थर्ड ऑप्शन, इट कलेक्टिवली रेफर्स टू द ब्राउजिंग एंड ऑनलाइन ट्रैकिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसीज अक्रॉस द ग्लोब. देन इट रेफर्स टू दोज वेबसाइट विच कोवर्टली, यानी छुपकर, कोवर्टली का मतलब होता है छुपकर, कस्टमाइज विजिटर्स प्रायोरिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स विदाउट डिस्प्लेइंग कुकीज. ठीक, सो प्रेस द पॉज बटन एंड अपना आंसर नीचे लिखें कमेंट बॉक्स में. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अगर ये भी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आप सोचें 2021 का एग्जाम देना है या नहीं देना है. ये क्वेश्चन गलत होने के बाद आप वैसे ही रेस से बाहर हो जाते हैं. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट रेफर्स टू दोज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब हुज कंटेंट्स आर नॉट इंडेक्स बाय स्टैंडर्ड वेब सर्च इंजन. सारे ऑप्शन काफ़ी क्लोज थे वैसे, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी समय से ये न्यूज़ में है. तो बेसिकली डीप वेब क्या होता है, डीप वेब में वो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं या फिर वो एक्टिविटीज़ की जाती हैं जो कि नॉर्मली आपको वेब सर्च इंजन्स के थ्रू मॉनिटर नहीं की जा सकती हैं. वेब सर्च इंजन्स में उन्हें इंडेक्स नहीं किया जाता है, तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज डीप वेब. राइट, क्रिप्टो करेंसी में का जो जो भी ट्रेड होता है बेसिकली, उसमें डीप वेब का काफ़ी इस्तेमाल होता है. वेपन्स जो ट्रेडिंग होती है, जो भी इलीगल ट्रेडिंग होती है, उसमें डीप वेब का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आजकल आपको देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे आप अपना प्रेस बटन पॉज करेंगे और ये पैराग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है एक्स्ट्रा, इसको आप पढ़ेंगे, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विद रेफरेंस टू मिया तानसेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. नंबर वन, तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर. नंबर टू, तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस. थर्ड, तानसेन कंपोज्ड सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रंस. तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. दिस इज द पार्ट ऑफ योर मेडिवल हिस्ट्री. तो प्रेस द पॉज बटन एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. लेट सी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ए ऑप्शन. ए ऑप्शन का मतलब है ये स्टेटमेंट गलत है. तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर. नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो अकबर ने क्या टाइटल दिया था, अकबर गेव हिम द टाइटल ऑफ मियाँ. मियाँ तानसेन नहीं दिया था, सिर्फ मियाँ दिया था. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तानसेन वॉज अ कोर्ट म्यूजिशियन इन द दरबार ऑफ राजा रामचंद्र ऑफ बाधवगढ़. ओके, तो उससे पहले वो बाधवगढ़ में थे और वहाँ पे उनको तानसेन का दर्जा जो है टाइटल दिया गया था. मियाँ का जो टाइटल है वो अकबर ने दिया था. कौन थे तानसेन, आपको पता है, एक म्यूजिशियन थे काफ़ी फेमस, और नवरत्नों में से अकबर के नवरत्नों में से एक इम्पॉर्टेंट नवरत्न ये भी थे. और बाकी स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ठीक है. तानसेन जो है ही कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रंस. तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास, बिल्कुल ठीक है. और तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती है. 13th क्वेश्चन,
With reference to the events during partition of Bengal, this is a part of your modern Indian history, in 1905, consider the following statement. Aapki pehli statement hai, the official reason cited for partition was to meet the demand of Muslim, kya aisa hai? Muslim community for separate province. Dusra statement hai, Swadeshi movement was initiated in response to the partition of Bengal, kya aisa hai? And the third statement is, the partition was annulled in 1907. So you have to identify the correct statement. 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3. अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आई वुड सजेस्ट आप 2021 का अपना जो अटैम्प्ट है आप उसे ड्रॉप कर देना, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए. ओके, प्रेस द पॉज बटन और अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. लेट सी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी का मतलब है केवल और केवल सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत हैं. वैसे भी लॉजिकल है अगर आप देखो कि पार्टीशन की जब हम बात कर रहे हैं, बंगाल के पार्टीशन की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या बताया गया था, जो मेन रीज़न दिया गया था दैट वाज दैट बंगाल इज़ टू बिग टू एडमिनिस्टर. इतना बड़ा है बंगाल कि उसे एडमिनिस्टर नहीं किया जा रहा है, उसी वजह से हम उसे जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. ये रीज़न नहीं दिया गया था कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट प्रोविंस दे रहे हैं. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, राइट. अगर पहला स्टेटमेंट गलत होता है तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है. सेकेंड स्टेटमेंट, स्वदेशी मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बच्चे को ये पता है तो ये बिल्कुल ठीक है. तो इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल हो गया. और तीसरा जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही बकवास स्टेटमेंट है, द पार्टीशन वॉज एनल्ड इन 1907. नहीं भाई, पार्टीशन 1907 में नहीं हुआ था. एनल्ड मतलब वापस नहीं लिया गया था, ये आपका 1911 में लिया गया था, ठीक है. 1907 इज फेमस फॉर सूरत स्प्लिट, ये सूरत स्प्लिट के लिए फेमस है, ठीक है. ठीक है भाई, तो ये पॉज कर लेना और इसमें जो मैंने अभी बोला ये सब इसमें मेंशन है, तो इसको एक बार पढ़ लो. और अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप नीचे आंसर जो है दे सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है. इसमें कुछ फैक्ट्स आपको दे रखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो इसको डेफिनेटली आप पढ़ लेना पॉज करके. स्पून फीडिंग नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द साइक्लोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन है. पहला, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अफेक्ट द मच लार्जर एरिया कंपेयर टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. द विंड वेलोसिटी इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज मच हायर देन दैट इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. थर्ड, द ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री. प्रेस द पॉज बटन, थिंक अबाउट इट, रिवाइज योर ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी का मतलब सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है. तो स्टेटमेंट वन इज जो है that is wrong, it means that is incorrect. Extra tropical cyclones cover a larger area, very important, tabhi uske naam ke aage extra laga hai, and can originate over the land and sea, whereas tropical cyclones originate only over the seas, and on reaching land they dissipate. Iska kya matlab hota hai, shayad spelling mistake hai, theek hai, disseminate ho sakta hai, to wo khatam ho jata hai jaise hi wo land pe aata hai, wo dheere 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 uski energy down ho jati hai, and after a certain point of time wo diminish ho jata hai, theek. उसके बाद है स्टेटमेंट नंबर टू, दैट इज द विंड वेलोसिटी इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज मच हायर देन दैट इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एंड दस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव. ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन होगा, एक्स्ट्रा होगा या फिर ट्रॉपिकल होगा? सो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो होगा वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा. क्यों? क्योंकि वो उसका एरिया कम है, एरिया कम है तो उसकी विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी, विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों कमज़ोर होगा, उसकी वेलोसिटी इसलिए कमज़ोर होगी क्योंकि उसका साइज बड़ा है, ठीक है, उसका जो एरिया है दैट इज लार्जर एज कम्पेयर टू दी ट्रॉपिकल साइक्लोन. तीसरे की बात करें तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर पॉपुलरली नोन एज इंडियाज चिकन नेक कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया. मैप बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन 3 महीने बाद एग्जाम है तो आपने एटलस जरूर कर ली होगी, तो आपको पता होगा इंडियाज चिकन नेक में कौन कौन से दो राज्य हैं जिनको कनेक्ट किया जाता है. अगर नहीं आपको पता तो दोबारा से आपको एटलस उठानी पड़ेगी, ठीक है. फैक्चुअल क्वेश्चन है बट आई एम श्योर आपका आंसर सही होगा. बाहर बहुत ज़्यादा बारिश तूफान आ चुका है. ये खिड़की बंद नहीं है क्या, ये बच गई?
तुम लोग कह रहे थे बारिश नहीं आएगी, कितनी महंगा बारिश आई है। हाँ क्या था, हाँ आंसर इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का मतलब है सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ये अच्छा, इसमें ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि जिन्हें पढ़ा रहे हैं उन्हें ऑलरेडी आता होगा ये सिक्किम। अगर नहीं आता तो 21 वाला एग्ज़ाम मत देना, 22 वाला एग्ज़ाम देना, बेसिक क्वेश्चन है ठीक है। तो जो इंडियाज चिकन नेक है दैट इज़ ऑल्सो नोन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये दो राज्यों को कनेक्ट करता है दैट इज सिक्किम और वेस्ट बंगाल ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे ये रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये इसको चिकन नेक कहते हैं। ये काफ़ी पतला सा एक गलियारा है, कॉरिडोर का मतलब गलियारा होता है ठीक है। और बार बार चाइना इसी को आए करता है क्योंकि अगर इसको तोड़ दिया गया तो जो आपकी 7 सिस्टर्स हैं उनको इंडिया से अलग किया जा सकता है, तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव इन्फ्लुएंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। अगेन ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है। तो किसी भी रीजन का जो कोई भी जो रीजन होता है इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस होगा उस रीजन के टेम्परेचर पर। पहला लैटिट्यूड, दूसरा ऑल्टीट्यूड, तीसरा कॉन्टिनेंटैलिटी और फोर्थ वन इज ओशन करंट। योर ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, बी ऑप्शन 3 and 4 ओनली, देन 1, 2 and 4 ओनली, देन ऑल ऑफ द अबव। सोचो, आसान क्वेश्चन है, आई गेस 7th क्लास की एनसीईआरटी में शायद दिया गया है। राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। एंड द आंसर इज डी, यानी सबका होगा ऑब्वियसली। किसी भी एरिया के किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर है उस पर लैटिट्यूड का इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका फ़र्क पड़ेगा, कॉन्टिनेंटैलिटी का फ़र्क पड़ेगा और ओशन करंट का फ़र्क पड़ेगा ठीक है। सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू द भारत स्टेज नॉर्म्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इतने टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, एक बार आ भी चुका है एग्जाम में, ये तो गलती मत करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1, व्हाइल द BS4 फ्यूल्स कंटेन 50 ppm सल्फर, BS6 कंटेन ओनली 10 ppm। क्या ऐसा है? BS4 में 50 ppm सल्फर होता था और BS6 में केवल 10 ppm पर्टिकुलेट पर मीटर, ऐसा कुछ करके इसकी फुल फॉर्म है, यही है ना, पर्टिकुलेट पर मीटर है, पता है ppm? पार्ट्स पर मिलियन। BS4 और BS6 पार्ट्स पर मिलियन हो सकता है। अच्छा, वो 2.5 ppm वाला पर्टिकुलेट मैटर होता है ना, वो पर्टिकुलेट मैटर है। हाँ ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन ही होगा ये। देर इज नो नीड टू अपग्रेड द इंजन टू मेक द व्हीकल BS6 कॉम्पेटिबल। आपको बताना है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2 ठीक है। तो प्रेस द पॉज बटन एंड मेंशन योर आंसर इन दी कमेंट बॉक्स। क्या होगा इसका सही आंसर? और इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कॉमन सेंस भी है यार, अगर कोई गाड़ी है उसका जो इंजन बना है तो वो पर्टिकुलर फ्यूल के कंजप्शन के लिए बनाया गया होगा, तो अगर BS4 गाड़ी में BS6 का तुम तेल डाल दोगे तो दिक्कत तो करेगी ना, तो अपग्रेड करने की ज़रूरत है राइट। तो गाड़ियों को जो नए व्हीकल्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी अपग्रेडेड हैं जिसमें आप BS6 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने व्हीकल्स हैं उसमें अगर आप BS6 इस्तेमाल करोगे तो उसकी इंजन कंपैटिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी। अगेन प्रेस द पॉज बटन और आप इसमें अपना आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आपने लिख लिया, अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना ठीक है। 50 parts per million एंड 10 parts per million ये डिफरेंस है दोनों में, और सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नए नॉर्म्स हैं उनको अगर आपको कंप्लाई करना है तो आपको अपनी गाड़ी को कंपेटिबल बनाना पड़ेगा। नई गाड़ियां जो आ रही हैं वो ऑलरेडी BS6 कंपेटिबल हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर अलाउड टू बी कमर्शियली कल्टिवेटेड इन इंडिया। एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर बार आपको इस तरह का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको कमर्शियली कल्टीवेट करने की परमिशन मिल चुकी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रिंजल, सेकंड कॉटन, थर्ड मस्टर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 and 2 only, 2 only, 3 only, 1, 2 and 3। पॉज बटन प्रेस करें, अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। क्या है राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का बात करें तो केवल और केवल आपकी कॉटन है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की कैटेगरी में डाला गया है, इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है और केवल इनका कमर्शियल कल्टीवेशन किया जा सकता है।
बीटी ब्रिंजल भी आपने सुना होगा, बीटी मस्टर्ड भी सुना होगा, बट इनका अभी कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं किया गया है। केवल और केवल कमर्शियल कल्टीवेशन जो किया जा रहा है वो कॉटन का किया जा रहा है। बीटी कॉटन रिमेन्स द ओनली जीएम क्रॉप अलाउड टू बी कल्टीवेटेड इन द कंट्री। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एक बार अगेन प्रेस बटन को पॉज करें और ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, समझने का कुछ नहीं है। देर आर सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द लेयर्स ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेसिक क्वेश्चन नंबर वन, कमर्शियल प्लेन्स फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर, क्या ऐसा है? टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट इन मेसोस्फेयर। थर्ड, थर्मोस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इट इज रिलेटेड टू यूर एटमोसफेयर। प्रेस द पॉज बटन एंड मैंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्या है सही आंसर? एंड द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का मतलब है बिल्कुल ठीक, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। एटमोसफेयर में आपके डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जिनको स्टेटोस्फेयर कहा जाता है, मेसोस्फेयर कहा जाता है, थर्मोस्फेयर कहा जाता है, राइट। तो जो आपके प्लेन्स जो होते हैं, कमर्शियल प्लेन्स जो होते हैं, वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप मेसोस्फेयर में हाइट में ऊपर जाते हैं। उसके बाद थर्मोस्फेयर की बात करें तो जो रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है वो कहाँ पर होता है? वो थर्मोस्फेयर में होता है, ठीक। सो आप इसको एक बार प्रेस करें, पॉज करें और एक बार पढ़ें इसके एक्सप्लेनेशन को। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की बात हो रही है बेसिकली। तो ओपेक में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन मेंबर हैं? पहला है इराक, फिर है कतर, फिर है लिबिया, फिर है वेनेजुएला। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। 1, 2 and 3 ओनली, 1, 3 and 4, 2 and 4, ऑल ऑफ द अबव। बेसिक क्वेश्चन, फुल टॉस क्वेश्चन, बहुत आराम से आप इसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और काम करना, ओपेक का जो हेड ऑफिस है ना, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, इनकेस आपको पता है। और इनकेस नहीं पता है तो फिर सोचने वाली बात है। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब 1, 3 and 4 इज द राइट आंसर। तो आपका ये है और ये है, यानी इराक, लिबिया एंड वेनेजुएला आर दी मेंबर्स ऑफ द ओपेक, ठीक। तो अगेन आप जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसे आप पढ़ सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दैट इज ओपेक वॉज फाउंड इन बगदाद इराक विद द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट इन सेप्टेम्बर 1960 में इसको बनाया गया था। इनिशियली 5 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हुई थी, कौन कौन सी? ईरान था, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। दे वर टू बिकम द फाउंडर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसको ज्वाइन कर दिया जाता है कतर, इंडोनेशिया, लिबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, इक्वेटोरिया गिना एंड इतने सारे मेंबर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट याद रख लेना। हाउएवर इक्वाडोर सस्पेंडेड इट्स मेंबरशिप इन दिसंबर 1992, रिज्वाइंड ओपन इन 2007 बट डिसाइडेड टू विदड्रॉ इट्स मेंबरशिप ऑफ ओपेक फ्रॉम 2020। इंडोनेशिया सस्पेंडेड इट्स मेंबरशिप इन जनवरी 2009, रीएक्टिवेटेड इट अगेन इन जनवरी 2016 बट डिसाइडेड टू सस्पेंड मेंबरशिप वंस मोर। ये पैराग्राफ किसी काम का नहीं है, आप ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, कतर टर्मिनेटेड इट्स मेंबरशिप ऑन 1 जनवरी 2019। तो कतर मेंबर तो था इसका, लेकिन 2019 में कतर को जो है बाहर निकाल दिया गया, या फिर वो खुद निकल गया। काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशन वाला प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अपना स्कोर, फाइनल स्कोर ज़रूर मेंशन करें और मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।